तीन साल बाद फिर अब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने प्रतिनिधि चुनेगी और डूसू इलेक्शंस को सिर्फ बस अब एक दिन का ही वक्त रह गया है। तो इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ योगेश सिंह जी हैं, वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो सर, कैसा रहेगा इस बार का जो इलेक्शन है, तीन साल बाद हो रहा है, इसके साथ साथ देखा ही जा रहा है विद्यार्थियों में बहुत उत्साह है, तो क्या क्या सर प्रशासनिक प्रबंध होंगे यूनिवर्सिटी के? तो देखिए, तीन साल बाद इलेक्शन है तो इस कारण से उत्साह तो बहुत है। बहुत सारे ऐसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चुनाव देखा ही नहीं, उनके लिए तो और एक अचंभा करने वाली सी बात है ये। लेकिन एक और बात है, जब इलेक्शन है तो इसको इलेक्शन की तरह लें, स्टूडेंट इलेक्शन की तरह ही लें। बहुत सारा जो झगड़ा होता है उससे सबका मन खराब होता है, हमारे बच्चों को चोट भी आती है, सबको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उत्साह जो है वो डेमोक्रेसी का भी है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का भी है, हम सबके लिए भी बड़ी खुशी की बात है। अभी तो ये है कि मुझे पूरी उम्मीद है ये सब शांति से होगा, परसों वोटिंग होगी और पुलिस भी बहुत सारा डिप्लॉयमेंट है हर किसी भी अनहोनी को टालने के लिए। हम सब भी सजग हैं, हमने टीचर्स के भी ग्रुप्स बनाए हुए हैं जो कि लगातार स्टूडेंट्स के संपर्क में हैं, जिससे कि कोई इन्फॉर्मेशन आनी है तो समय से पहले आ जाए, कोई घटना दुर्घटना है तो उसको रोका जा सके। टीचर्स, स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब लगा हुआ है, अच्छा ही होगा सब कुछ। तो सर, इलेक्शन को लेके जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन को लेके सर क्या क्या प्रबंध है? देखियो, इलेक्शन में पहले तो मैं अपील करूंगा कि सब लोग आएँ, अपना वोट डालें, निडर होकर डालें, बिना भय के डालें, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, सुरक्षा के पूरे इंतजाम रहने ही वाले हैं। जो दूसरी इलेक्शन है वो ईवीएम के माध्यम से होगा, पहले आप वहाँ पर वोट करें और उसके बाद में कॉलेज का बैलेट पेपर के माध्यम से है। और जब ये हो जाएगा एक दिन, नेक्स्ट डे जब काउंटिंग होगी, पहली जो दूसरी वाली है ईवीएम वाली काउंटिंग है वो हमारी यहाँ पर कॉन्फ्रेंस सेंटर के अंदर होगी यूनिवर्सिटी में। पहले पुलिस लाइन में होती थी लेकिन किसी कारण से पुलिस लाइन उपलब्ध नहीं है हमारे पास, इस कारण हमने सोचा है नए वेन्यू पे कराया जाए, क्योंकि बहुत देर रिजल्ट को डिले करना भी अच्छी बात नहीं है, अननेसेसरी ना, उससे अफवाहें जन्म लेती हैं। तो नेक्स्ट डे ही हम रिजल्ट को निकालेंगे, एक तो ये बात हो गई। और दूसरा ये कि जो बैलेट पेपर से होगा वो कॉलेजेस में होगा और वो रिजल्ट हम दो चार घंटे में रिजल्ट आ जाएंगे सारे। कोई मैसेज सर जो आप विद्यार्थियों को देना चाहें इस इलेक्शन में? कि देखिए, डेमोक्रेटिक होना, डेमोक्रेसी में विश्वास रखना हमारे लिए बहुत ही सम्मान और गर्व की बात है, पर उसमें लड़ाई झगड़ा ना करें, एक दूसरे की इज्जत करें, उसको समझने की कोशिश करें। विचारों में भिन्नता आपकी है कोई बात नहीं है, इसी कारण से शांति से आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और वोट करने ज़रूर आएँ, मेरी अपील है सबसे। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश सिंह जी, जिन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको शांतिपूर्ण डेमोक्रेटिक तरीके से करें। उन्होंने बच्चों को खुलकर वोट करने की भी अपील की। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ अनमोल नाथ बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट।